न्यूमेरिकल मेथड में आज देखेंगे न्यूटन रैप्शन मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। जैसा कि यहाँ एक क्वेश्चन कंसीडर किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू बराबर जीरो बाई द न्यूटन रैप्शन मेथड। कहने का मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई इक्वेशन दी गई उसकी रूट्स निकाल लें। तो जब सिंपल हमारे रूट्स नहीं निकल के आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल मैथड में कुछ मैथड्स हैं, फॉल्स पोजिशन, बाइसेक्शन मैथड, न्यूटन रैप्शन मैथड। तो यहाँ पर वो एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो इसको सेटिस्फाइड करेंगी। तो देखिए आगे वाले स्टेप में हम लोग बिल्कुल पूरा डिस्कस करेंगे कि न्यूटन रैप्शन मेथड कैसे वर्क करता है, एक्स की कैसे वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो जो क्वेश्चन को हमने कंसीडर किया था उसके कुछ स्टेप्स देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू, तो इसका हमें वो एक्स की वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। कहने का मतलब रूट्स। अब न्यूटन रैप्शन मेथड करता क्या है ज्योमेट्रिकली देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू अल्फा और एक्स की वैल्यू बीटा ली हमने। यहाँ माना है कि अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और बीटा पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो फंक्शन कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक क्रॉस करेगा, कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा। तो वहाँ पर एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी क्रॉस करेगा वो वहाँ पर रूट्स कंसिडर किया जाएगा। तो हमने पहले क्या किया, एक अपने आप से खुद से एज्यूम करके एक वैल्यू एज्यूम की फोर, एक्स की वैल्यू फोर एज्यूम की फंक्शन में, जो फंक्शन दिया गया कैलकुलेट किया तो देखिए निगेटिव आया। एक फाइव कोई भी हमने बोला, कोई भी आपको दो ऐसे वैल्यू लेनी है जो आपको ये वैल्यू पॉजिटिव मिली। तो आपको इस एक्स की वैल्यू फोर पर, इसकी वैल्यू फाइव पर, एक बार फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, एक बार निगेटिव, आपको दो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कोई भी फंक्शन दिया गया हो आप कोई दो ऐसी वैल्यू ढूंढिए जहाँ फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव मिले। कहने का मतलब अल्फा और बीटा निकाला अगर आपने, ऐसे दो अल्फा और बीटा ध्यान देंगे कि जहाँ पर एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा लेस देन जीरो, कहने का मतलब निगेटिव मिले। जैसा कि हमने यहाँ किया, देखिए ये निगेटिव वैल्यू मिली और ये पॉजिटिव मिली। तो इसका रीज़न क्या है कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव मिलेगा तो फंक्शन कहीं ना कहीं निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव ऊपर से नीचे तक क्रॉस करेगा। जहाँ से क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस से वही रूट होगा। तो हमने दो वैल्यू यहाँ पे ले ली इनिशियल में, ये आपको खुद से लेनी होगी। अब देखो क्या किया, ये फार्मूला यहाँ दर्शाया गया कि न्यूटन रैप्शन मेथड में हम लोग एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डे एक्स एन वाला फार्मूला लगाएंगे। हमें डेरिवेटिव चाहिए तो फंक्शन जो दिया गया उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स है और फाइव एक्स प्लस टू का फाइव, तो ये आप डिफरेंशिएशन ईजिली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन है उसका डेरिवेटिव चाहिए। अब हमने जो जो दो वैल्यू ली है फोर और फाइव, उसमें से एक वैल्यू को शुरुआत में एक्स नॉट मान लिया। एक्स नॉट यहाँ लाने के लिए, इस पर एक्स नॉट लाने के लिए एन की वैल्यू वन पुट जीरो पुट करनी पड़ेगी। जब जीरो पुट करें तो एक्स वन बराबर एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डेस एक्स नॉट। ये इसलिए किया गया है सामने जिससे कि आप कर पाएँ। देखिए एक्स वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स नॉट माइनस, एक्स नॉट का मतलब है फोर, एक्स नॉट का मतलब क्या है तो यहाँ फोर रख दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब एफ ऑफ फोर अपॉन एफ डेस फोर। तो एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी, फोर माइनस एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ फोर अभी हम निकाल चुके हैं माइनस टू आया, और एफ डेस फोर इसमें रखेंगे। तो एफ डेस फोर जब रखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एट माइनस फाइव थ्री आ जाएगा, तो फोर प्लस टू बाई थ्री, इसको आप पेशेंसली कैलकुलेट करिए, 14/3 जो भी आपको वैल्यू दे, ये x1 वैल्यू देगा। अब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x2 आएगा, ऐसे धीमे धीमे आगे कैलकुलेट करते जाएंगे। जब भी आप न्यूमेरिकल मेथड करते हैं तो आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है, कैलकुलेशन पार्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमने अभी जो पहला स्टेप दिखाया था वहाँ पे x1 बराबर 14/3 दैट इज़ 4.666 ऐसे करके वैल्यू निकाली। अब x2 निकालेंगे इसी फार्मूले में, जो न्यूटन रैप्शन मेथड है इसी फार्मूले में हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। अब n की जगह जहाँ जीरो रखा था वहाँ n की जगह वन रखेंगे, तो यहाँ वन रखेंगे तो x2 आ जाएगा, x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डेस x1। x1 हमारा जो आया है 14/3, देखिए यहाँ पे रखा है हमने 14/3, फंक्शन जो ये फंक्शन दिया गया है वहाँ पे x की जगह 14/3 रखा है, कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेशन पार्ट मैंने बोला आपका है, कैलकुलेशन से 4.5641 ये x2 आ गया, ये हमारा x2 आ गया। अब x2 से हम लोग x3 निकालेंगे तो n की वैल्यू इसी फार्मूले में, जो ये वैल्यू है फार्मूले में x3 बराबर x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ डेस x2 निकाला,
अब एक्स टू जो हमें मिला था 178 अपॉन 39, उसको हमने देखो एक्स टू की जा रखा है फंक्शन में, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 178 अपॉन 39 को यूज़ किया है। 2x, या देखिए एफ डी एस एक्स मतलब 2x माइनस 5, तो इसी में x की जगह 178 अपॉन 39 को यूज़ किया, ये देखिए यूज़ किया है। कैलकुलेशन करने के बाद 4.5616 आया है, ठीक है। जैसा रिक्वायर्ड हो, जितने डेसिमल के बाद रिक्वायर्ड हो वो आपका क्वेश्चन तय करता है। न्यूटन रैफसन मेथड का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने सीखा, कैलकुलेशन पार्ट हमने बताया है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं रूट्स निकालने के लिए। फॉल्स पोजीशन, बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन रैफसन मेथड यूज़ करते हैं। आपने देखा कि न्यूटन रैफसन मेथड बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए वो सारे मेथड भी बहुत ही ईजी होंगे, आप उनको कर सकते हैं। मावला क्लासेस ने न्यूमेरिकल मेथड के जो जो इंपॉर्टेंट इंटरपोलेशन के फॉर्मूले हैं या इस टाइप के फॉर्मूले हैं वो सारे पार्ट वाइज अपलोड किए हैं। हर एक सेक्शन में हम एक क्वेश्चन को या एक थ्योरम को पूरा कंप्लीट करते हैं, तो आप लास्ट सारे वाले वीडियो भी अगर देख सकते हैं जो न्यूमेरिकल मेथड का अगर आप पढ़ रहे हैं बीसीए से रिलेटेड या एमसीए से रिलेटेड। आगे फॉल्स पोजीशन और बाइसेक्शन मेथड को हम लोग अपलोड करेंगे, आप आगे बने रहिए। थैंक यू।